हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपने साइनी एप्लीकेशन में आप जूलिया को कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सिंपल एक यूआई बनाएंगे और क्या करेंगे कि जैसे मैं कोई स्ट्रिंग लेंगा एज ए इनपुट यूआई में, और वो क्या करेगा कि सबसे पहले सर्वर में जाएगा, आर सर्वर में, उसके बाद जाएगा जूलिया में। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जूलिया फंक्शन को रन करूँगा और वो क्या करेगा, जो जो भी लोअर केस जो लेटर है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो जूलिया में फंक्शन है, अपर केस एक फंक्शन का नाम है जिसके ज़रिए आप किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा और उसके बाद मैं यूआई में रिटर्न ले लूँगा इनपुट आउटपुट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऐप है, पर इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से साइनी में जूलिया को कॉल कर सकते हो। तो ये मेरा यूआई डॉट आर है, यूज़र इंटरफेस, जिसमें मैं दो इनपुट बना रहा हूँ, एक बटन और एक टेक्स्ट के लिए इनपुट, और मैं आउटपुट के तौर पे ले रहा हूँ जो भी टेक्स्ट आएगा उसका वैल्यू। और उसी चीज़ का मैं एक सर्वर कोडिंग कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, एक्शन बटन पे, क्या होगा कि ये वाला कोड रन हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट में आप जो भी चाहे आर कोड रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक जूलिया कनेक्टर, एक पैकेज है जिसके जरिए ये क्या करता है कि एक टीसीपी सर्वर, जूलिया टीसीपी सर्वर लॉन्च करता है और जिसके ज़रिए आप जूलिया को कॉल कर सकते हो आर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं जो आर का डाटा है, जो भी इनपुट डॉलर टेक्स्ट है, जो ये आईडी है, ये जो आईडी है टेक्स्ट, इसी को ही मैं इनपुट ले रहा हूँ और मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैं एक फंक्शन रन कर रहा हूँ जे जूलिया कॉल करके अपर केस, और मैं उस फंक्शन को इस वैल्यू पे सेव कर रहा हूँ और उसी को ही मैं रेंडर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल ऐप है। तो सबसे पहले हम इसको, इस ऐप को रन करके देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और मुझे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आपको ये रिज़ल्ट मिल गया। अब मैं फिर को दोबारा, फर्स्ट टाइम लेटेंसी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखता हूँ रवि, तो ये आपको तुरंत मिल गया अब। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि ए लिखता हूँ तो ए कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, बी लिखता हूँ तो कैपिटल बी में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम समझते हैं कि जो भी, जब हमने फर्स्ट टाइम इस ऐप को ओपन किया और मैंने इनपुट डाला, तो वो इतना टाइम क्यों ले रहा है। इस डायग्राम में देखते हैं कि जब भी कोई यूज़र यूआरएल टाइप करता है और वो जाता है रिक्वेस्ट, जब भी मैं कोई मैंने आपने मैंने बोला था कि मैंने एक्शन बटन बना रखा है, तो जब भी कोई एक्शन बटन में क्लिक करेगा वो सर्वर साइड में कुछ कोडिंग होगा। तो जैसे ही कोई यूज़र एक्शन बटन पे क्लिक करता है, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहला टाइम तो इस बात के लिए लगता है कि जो टीसीपी कनेक्शन है उसको बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जूलिया ऊपर से जीआईटी कंपाइल लैंग्वेज है, तो जीआईटी कंपाइल क्या होता है कि आप रन टाइम में ही सारा का सारा कोड रन कंपाइल कर रहे हो। तो जैसे कि आप जूलिया में 1+1 भी लिखते हो तो वो रन टाइम में ही कंपाइल होता है। तो जूलिया में या किसी भी या कोई भी ऐसा प्रोग्राम या कोई भी ऐसा वर्चुअल मशीन जो जीआईटी कंपाइल करता है, जो रन टाइम में ही कंपाइल कर रहा होता है, तो उस पर एक स्टार्टअप लेटेंसी प्रॉब्लम है। स्टार्टअप टाइम होगा, जो एप्लीकेशन का स्टार्टअप टाइम होगा वो थोड़ा सा लेट होगा। तो जेवीएम मशीन है, जावा, अगर आपने कोई ऐसा ऐप बनाया जो जावा में रिटर्न है और वो जीआईटी कंपाइल कर रहा है, तो वो भी सेम तरीके से जैसे यहाँ पे स्लो हो रहा है, वैसे ही वहाँ पे भी आपको स्लो देखने को मिलेगा। और ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो जीआईटी जो जस्ट इन कंपाइल कर रहा होता है, उस पर फर्स्ट टाइम टाइम लगता है, आपको फर्स्ट टाइम लेटेंसी की प्रॉब्लम है। अब हमने बात कर लिया जीआईटी, इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको बस पहली पहली बार में ही दिक्कत है, पहली बार में ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
सेकेंड टाइम से आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना। जो स्पीड होगी, जो भी स्पीड होगी वो नेटिव एप्लीकेशन की तरह होगी, क्योंकि आपका जो कोड है वो कंपाइल हो चुका है, वो सी के बराबर फास्ट चलेगा। तो मैं फिर दोबारा एक बार रन करके दिखाता हूँ ऐप को। पहली बार आप देख रहे हैं सर्वर साइड में स्टार्ट हो रहा है जूलिया। तो सबसे पहले तो TCP कनेक्शन बनने में टाइम लग रहा है, और ऊपर से GIT कंपाइल हो रहा है तो उस पर टाइम लग रहा है। अगर मैं सेकेंड बार करूँ, अगर मैं रवि करूँ, तो देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही फास्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ वर्ड लिखता हूँ जैसे कि HH। देखो आपको तुरंत रिस्पांस मिल गया, क्योंकि आपको बस फर्स्ट टाइम ही वेट करना है। तो इस बार हम क्या करते हैं कि मैं दोबारा को ऐप रन करता हूँ, और मैं यहाँ पे बहुत सारे ब्राउज़र खोलूँगा, और तीन चार ब्राउज़र खोलूँगा और देखेंगे क्या किस में देरी लग रही है। तो सबसे पहले मैं ऐप को रन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो IP और पोर्ट नंबर, उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहला ब्राउज़र है जिससे ये पहला क्लाइंट है, ब्रेव ब्राउज़र। उसी तरीके से मैं गूगल क्रोम में ही पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे चार क्लाइंट हैं, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आर का होता है अपना है, और ये ब्रेव ब्राउज़र का है, गूगल क्रोम में है, और मोजिला फायरफॉक्स है। तो आपके चार क्लाइंट हैं, तो मैं पहले क्लाइंट हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ, जैसे मैं हेलो करता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो पहले क्लाइंट को ही बस दिक्कत आएगी, उसके बाद जो अब अगर आप कोई दूसरा क्लाइंट आता है वो करता है हेलो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं आने वाला, देख सकते हैं बिल्कुल भी स्पीड बिल्कुल ठीक है। अगर कोई थर्ड क्लाइंट है, तो अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे वाई लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं तुरंत रिजल्ट मिल गया। तो ये चौथा क्लाइंट है, तो मैं लिखता हूँ यू, तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल यू मिल गया। तो GIT कंपाइल का बस एक ही प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट टाइम में ही दिक्कत, थोड़ा सा आपको फर्स्ट क्लाइंट को ही वेट करना है, उसके बाद बाकी जितने भी क्लाइंट होंगे उसके लिए फास्ट होगा। तो और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये आप ID इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जैसे ही कोई ऐप रन करते हैं, और जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा, अगर आप दोबारा रन करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो ये IDE है, या कोई भी जो फाइल होता है, जो भी यहाँ पे जाहिर सी बात है मैं R फाइल को रन कर रहा हूँ, और ये IDE एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरीके से कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फाइल होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जिस तरीके से कोई एथलीट है उसको ट्रैक चाहिए होता है भागने के लिए, वैसे ही कोई प्रोग्राम है उसको चाहिए होता है कोई प्लेटफॉर्म। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टर्मिनल होता है, वो भी एक प्रोग्राम है, जो बहुत सारे प्रोग्राम को एक प्रोग्राम जिसके सहारे चलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर आर जो इंटरप्रेटर है अभी भी कनेक्टेड है, जूलिया जूलिया जो TCP कनेक्शन है। तो आप जब तक इसको क्लोज नहीं करोगे पूरी की पूरी, इसका एक खुद का टर्मिनल, एक इंटरफेस है, ये बिल्कुल ही अलग है जो भी आप टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं, जो उबंटू के साथ आ रहा है या कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रहा है, वो वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये जो आर स्टूडियो है उसी का ही एक सब प्रोसेस है। जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, जो भी आपको एक पैनल मिला था, जो भी आप जैसे ये जितने भी आपके पैनल दिख रहे हैं, ये जाहिर सी बात है ये आर स्टूडियो का पार्ट है। तो आप तो जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे तब तक वो जूलिया सर्वर जाएगा नहीं। तो जैसे ही मैं हेलो लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्निंग मिल गया है, क्योंकि आपको इसको रीस्टार्ट करो या फिर क्लोज करके दोबारा से चलाओ। तो यही एक तरीका है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप जूलिया जूलिया को कॉल कर रहे होते हो, क्योंकि ये आप जो कॉल कर रहे हो TCP कनेक्शन के जरिए है, आप इस तरीके से कोड नहीं कर रहे जैसे कि आप जूलिया का जो कोड है उसको सी में कन्वर्ट कर रहे हो और सी से आर में जा रहे हो। तो अगर आप इस फ्लो में जाओगे तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सर्वर साइड में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आप कोई डॉकर या किसी भी सर्वर में इस एप्लीकेशन को डालोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे आप IDE तो इस्तेमाल करोगे नहीं। तो वहाँ पे सर्वर साइड आप क्या करोगे, आप टर्मिनल को ओपन करोगे और इस
ये जो मैंने ऐप बनाया है इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो आप सर्वर साइड में कुछ इस तरीके से अपने एप्लीकेशन को रन करते हो, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको इसको ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ, तो ये आपका एप्लीकेशन है। तो अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूँ तो ये पूरा का पूरा आर जो है वही क्लोज हो गया, पर आर स्टूडियो के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। और GIT का एक फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको बस जो पहली बार में ही दिक्कत है, पहली बार ही आपको वेट करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम से बिल्कुल जो एग्जीक्यूशन स्पीड है बिल्कुल ही फास्ट है, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू टू सी माई वीडियो।